Good morning. Welcome back. Our today's topic is powers and functions of the state legislature or the state assembly. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, state legislature और state assembly की power दोनों ही एक साथ आ गई हैं, similar powers हैं, ठीक है? The state legislature is the state's administrator. हमें ये पता है कि state legislature है वो एक तरीके से state का administrator है. है ना, स्टेट के अंदर क्या करना है नहीं करना है वो सब कुछ ये ही डिसाइड करते हैं और इसीलिए इनको क्या बोला गया है, स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? एंड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर हैज बीन गिवन ब्रॉड पावर्स और इसीलिए लेजिस्लेचर के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई है. पहली पावर, legislative powers. The state legislature has the power to form laws on all those subjects which have been given in the state list and concurrent list. State legislature को पूरी तरीके से power दी गई है कि वो अपने state के अंदर कुछ नियम, कुछ कानून बनाए जो ऐसे subject के ऊपर हो जो कि स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर मेंशन की गई हो. डिटेल में बताया गया है मेरे लिस्ट, है ना, टाइप्स ऑफ लिस्ट वाले वीडियो में कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कॉन्क्रीट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं. आप फर्दर डिटेल के लिए वीडियो को लिंक को देख सकते हैं, ठीक है? तो रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट जो नियम बनाने का काम है वो पूरी तरीके से पावर किसको दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब मैं बोल सकती हूँ स्पेशली असेंबली को. ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी प्रपोज्ड इन एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ऑर्डिनरी जो बिल होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में प्रपोज किया जा सकता है, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो काउंसिल हो, बट द असेंबली हैज द फाइनल पावर. अगर वो काउंसिल भी करता है कोई इश्यू नहीं है, बट हाँ करना या ना करना या रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना ये पूरी तरीके से असेंबली के हाथ में है. तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होती है कि असेंबली की जो पावर है वो कंपेयर टू काउंसिल ज्यादा है, ठीक है? सेकंड, फाइनेंशियल पावर्स. द असेंबली रिसीव फुल कंट्रोल ओवर द वेल्थ ऑफ द स्टेट. स्टेट की जो वेल्थ है उसके ऊपर अगर पूरा अधिकार और कंट्रोल जो है वो किसका है, असेंबली का. एनी वर्क रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट ओनली व्हेन द एनुअल बजट इज अप्रूव्ड बाय द असेंबली. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्शन, कोई भी काम और उसके लिए लगने वाला पैसा, इनकम और एक्सपेंडिचर, उससे आने वाला पैसा और खर्च करने वाला पैसा, ये सब तभी मिल सकता है जब असेंबली क्या करेगी, एक एनुअल बजट को अप्रूव करेगी. कितना पैसा है तभी उसमें से थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को दिया जाएगा ताकि वो काम कर सके स्टेट के अंदर, ठीक है? द गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द एक्युमुलेटेड फंड फॉर एक्सपेंडिचर. स्टेट गवर्नमेंट खर्च करने के लिए जो पैसा फंड में से निकालती है वो भी तभी पॉसिबल होगा ओनली आफ्टर एप्रोप्रिएट बिल पास बाय द लेजिस्लेचर. जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किया जाएगा तभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एनुअल बजट या किसी भी काम के लिए पैसा निकाल सकती है, वरना वो नहीं निकाल सकती. थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. The state cabinet is responsible for state legislature and mainly assembly. जो cabinet होते हैं, जो executive members हैं, real executive members जो काम करते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से responsible होते हैं state legislature या फिर बोल सकते हैं पूरी तरीके से assembly पर responsible रहते हैं अपने काम के लिए. For its policy and work, वो स्टेट की प्रगति के लिए कौन सी पॉलिसी अपना रहे हैं, कौन से काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से उनको आंसर देना पड़ता है किसको, असेंबली को. द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड बाय द असेंबली व्हिच इज व्हाई द
कैबिनेट हैज टू रिजाइन। पर मान लीजिए कि अगर कोई काम कैबिनेट ने चालू किया और वो काम स्टेट के हित में नहीं रहा, तो ऐसे में जो काउंसिल होती है उसको सिर्फ ये अधिकार है कि वो क्रिटिसाइज करेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन करेगी, बट काउंसिल को तो सिर्फ पूछने का अधिकार है, बट असेंबली को पूरा अधिकार है कि वो उनको निकाल दे। जब कभी भी असेंबली का विश्वास टूटता है कैबिनेट से, तो कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ, पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के चेंजेस, अमेंडमेंट आने की पावर। अब क्या है ये? फॉर अमेंडमेंट इट इज नेसेसरी टू पास रेजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट। कोई भी अमेंडमेंट अगर करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है, ऐसे में पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है? एक रेजोल्यूशन पास करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जिसके अंदर चाहिए होती है, शुड बी एक्सेप्टेड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जिसमें ये बोला जाता है कि पार्लियामेंट जब भी कोई ऐसा प्रपोजल पास करती है, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके जितने भी मेंबर हैं उनका हाफ मेंबर की मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी उसको मिलनी चाहिए उस प्रपोजल को। ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर हैज नो राइट टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, अगर मिलती है तो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, और अगर नहीं भी मिलती है तो भी वो दूसरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए पास किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। यहाँ पर हाफ मेजोरिटी का जो एक्सेप्टेंस है लेजिस्लेचर के द्वारा दिया गया, ये पावर में आता है। बाकी स्टेट लेजिस्लेचर हैज नो राइट टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाकी स्टेट लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई भी राइट नहीं है। वो सिर्फ सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ हमें मंजूर है, या फिर वो रिजेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें मंजूर नहीं है। बाकी वो चेंजेस करने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। फिफ्थ, इलेक्टोरल पावर। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पर इलेक्टोरल पावर इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, साथ ही साथ में जो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शन होते हैं उसमें। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पावर यहाँ पर स्टेट असेंबली को दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।